साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इंसानी हकूक के कारकुन अशकनाज खोखर की इलेक्शन कमिश्नर साहिवाल से मुलाकात। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन साहिवाल के दफ्तर में जिला इलेक्शन कमिश्नर अहमद हफीज सुबहानी से अकलियती वफद की मुलाकात हुई। मुलाकात में वोटर्स का इंदराज, दुरुस्ती और दीगर मौजूद पर ब्रीफिंग दी गई। इस मुलाकात में इंसानी हकूक और सिविल सोसाइटी नेटवर्क की तरफ से प्रोफेसर जलील भट्ट, अशकनाज खोखर, मैडम शाजिया भट्टी, नवीद यूसफ और दानिश गिल समेत दीगर मेम्बरान ने शिरकत की। अदारा बराए समाजी इंसाफ की जानिब से जारी करदा इंसानी हकूक जायजा 2022 का कताबचा भी इलेक्शन कमिश्नर को पेश किया गया। इलेक्शन कमिश्नर साहिवाल ने बताया कि प्रिंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने मौलखा 21 मई 2022 से इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्तें अवाम के मुआयना के लिए मुख्तलिफ डिस्प्ले सेंटर्स पर शाया कर दी हैं। साहिवाल समेत पूरे मुल्क में 20,159 डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं। इन डिस्प्ले सेंटरों की तफसील इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.ecp.gov.pk पर मौजूद है और मजीद रहनमाई के लिए मुतलका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में राबता किया जा सकता है। डिस्प्ले सेंटर 19 जून 2022 तक खुले रहेंगे। अगर किसी अहले फर्द का वोट दर्ज नहीं है तो वो शिनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल या आरजी पता के मुताबिक अपना वोट दर्ज करवा सकता है। गैर मुतलका या फौतशुदा वोटर के वोट का अखराज और शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक क्वाइफ की दुरुस्ती भी करवाई जा सकती है। सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना आरजी पता पर अपने वोट का अंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं।